नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में तेज बारिश से कल हुई भयावह स्थिति पर अब सियासत गरमाने लगी है। मूसलाधार बारिश के बीच शहर की बस्तियों में जलभराव और बिजली कटौती होने से लोगों को हुई परेशानी पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल खड़े किए हैं। मसूद ने कहा कि आसमानी आफत से शहर के लोग परेशान थे और मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री की आभगत में जुटा हुआ था। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री इंदौर में अपने मंत्री की जे कार में लगे थे, जो सरकार की बड़ी लापरवाही है। इससे जनता को परेशानी हुई है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेंटेनेंस के नाम पर पहले क्या कार्य हुए हैं और निगम के समय रहते पेड़ों की कटाई क्यों नहीं की। इसका जवाब निगम प्रशासन को देना चाहिए। उन्होंने सीएम शिवराज को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को विदा करने के बाद रात में मुख्यमंत्री के खंभे पर चढ़कर सिर्फ फोटो खिंचवाने की औपचारिकता पूरी की है। मुख्यमंत्री को जनता को जवाब देना चाहिए। भोपाल से संवाददाता उमेर खान की रिपोर्ट। कल की घटना बड़ी है। एक तो आसमान वाले की तरफ से एक बारिश का कहर था, लेकिन जिस तरह से लापरवाही सरकार की रही कि मुख्यमंत्री जी और पूरा मंत्रिमंडल गृह मंत्री जी की आगवानी में लगा रहा, उनके कार्यक्रमों में व्यस्त रहा, वहीं बिजली मंत्री इंदौर में अपने माननीय मंत्री जी की आगवानी और उनकी जय जयकार में लगे रहे होंगे, जनता परेशान होती रही। अगर यही सबसे बड़ा एक सवाल इस बात का है कि मेंटेनेंस के नाम पर क्या कार्य हुआ पहले और नगर निगम ने क्यों पेड़ नहीं काटे, इसका जवाब निगम को भी देना चाहिए। और जो पूरा भोपाल कल परेशान रहा है देर रात तक, और अभी भी कई इलाकों में थोड़ा थोड़ा व्यस्तता हुई है, लेकिन कुछ इलाके कहीं कहीं की शिकायतें अभी भी आ रही हैं, तो इसके लिए मुख्यमंत्री को नौटंकी करने के बजाय गृह मंत्री अमित शाह को विदा करने के बाद रात में 11:30 और 12 बजे खंबे पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने के बजाय जनता को जवाब देना चाहिए कि दिन भर मुख्यमंत्री जी आप क्या करते रहे, अमित शाह के प्रोग्राम में व्यस्त रहे या नहीं रहे। आपको तब जनता की चिंता नहीं हुई, तब आपको नहीं हुआ। और वो जो बिजली मंत्री हैं, कभी इस खंबे पे चढ़ा है, कभी उस खंबे पे चढ़ा है, कभी इस नाले पे, अब वो कहाँ है भाई। पहली बार भोपाल राजधानी लगभग 23 घंटे अंधेरे में डूब गया, ऐसे समय में बिजली मंत्री कहीं नज़र नहीं आया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों को जनता को सफाई देना चाहिए। ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।